दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने अच्छी खबर दी है। दिल्ली के करीब 7 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बकाया बिल माफ होने जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली सरकार ने पानी के सालों पुराने बकाया बिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना आगामी 1 अगस्त से शुरू होगी। बता दें कि दिल्ली में 27,60,000 उपभोक्ता या पानी के कनेक्शन है। इनमें से 11,70,000 उपभोक्ताओं पर 5,00,737 करोड़ रुपए पानी का बिल बकाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा। इसके बाद एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा भी जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड पिछले कई दिनों से इन बकाया बिलों को लेकर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी पर काम कर रही थी। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि इन बकाया बिलों को लेकर लोग दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर लगाते रहे हैं और अगर एक एक कर बिलों का निस्तारण करेंगे तो इसमें तकरीबन 100 साल लग जाएंगे। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड एक स्कीम लेकर आई है जो 1 अगस्त 2023 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत लोगों के लिए नए पानी बिलों का निस्तारण पानी मीटर की रीडिंग के औसत आधार पर किया जाएगा। वहीं दिल्ली में 7 लाख लोगों को होगा फायदे। बिल कई सालों से पेंडिंग है लेकिन जमा नहीं हो रहे थे। पानी के बकाया बिलों को 2 श्रेणी में बांटा है। पहले श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जिनकी 2 बिलों की रीडिंग रिपोर्ट ओके आई है, यानी बिल देने वाला और बिल लेने वाला दोनों सहमत हैं। जैसे कि एक बिल की रीडिंग रिपोर्ट 100 है और दूसरे की 80 है, तो इसमें औसत निकालकर बिल 90 कर दिया जाएगा। आपको पेमेंट करनी है। पानी का बिल 2 श्रेणियों में माफ होंगे। पहली श्रेणी में ही उन लोगों को भी रखा गया है जिनकी पहले बिल की रीडिंग 50 आया और दूसरा बिल रीडिंग 70 आया और तीसरा रीडिंग 140 आ गया। इस स्थिति में उपभोक्ताओं को तीसरे बिल को हटा दिया जाएगा और पहले 2 बिलों की रीडिंग का औसत निकालकर एक नया बिल भुगतान करने के लिए दिया जाएगा। इन लोगों को फायदा पहुंचेगा। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी एक बार भी बिल रीडिंग रिपोर्ट ओके नहीं आई है, यानी ना देने वाला और ना ही लेने वाला उस बिल पर सहमत है। इस स्थिति में आसपास के लोगों का पानी के बिल का रीडिंग रिपोर्ट के अनुसार उस मकान या फ्लैट का पानी का नया बिल तय कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फॉर्मूले के अपनाने के बाद दिल्ली में 7 लाख लोगों के पानी का बिल 0 आ जाएगा। दिल्ली सरकार की इस स्कीम का लाभ आप 1 अगस्त से उठा सकते हैं। 1 अगस्त से दिल्ली सरकार आपको नया बिल जारी करेगी और आपको 3 महीने के अंदर उस नए बिल का भुगतान करना होगा। अगर इन 3 महीनों में भी आप पुराने बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको पुराने बकाया बिल का ही भुगतान करना होगा।